हमें मतलब हर फिल्म में होता है, मतलब हम ऐसा है कि जो भी कुछ हम बना रहे हैं मैं घर पहुंच जाता हूँ कि सर आप, क्योंकि आपका आशीर्वाद भी चाहिए और वीरेंद्र जी हैं या रघुवीर जी हैं, तो हम मतलब मेरे सर पे कहीं ना कहीं इनका हाथ हमेशा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही रहे। इनका बड़ा पल अगर इस तरीके की बात करें, आई लाइक टू कॉल बिदिता बाग ऑन स्टेज। को आप जो है इस फिल्म में पूरे कपड़ों में देखेंगे। जेबा प्लीज कम। मुजीब भाई, जितेश भाई, संजय अमर एंड आप म्यूजिक डायरेक्टर्स प्लीज कम ऑन स्टेज। यह इस फिल्म को रिलीज करने के लिए ये लाइफ है, इसको कह के हम कह रहे हैं कंट्रोवर्सी, व्हाई इट्स कंट्रोवर्सी, इट्स अ लाइफ देयर कश्मीर, वी आर मी एंड राहत हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सच अ कल्चर। ऑनेस्टली बताऊं हमें, हम दोनों के रिलीजन शायद अलग हैं, लेकिन हमें कभी रियलाइज नहीं होगा हमारे अलग रिलीजन है। वो सिर्फ बॉम्बे में आके कहीं थोड़ा पता चला कि यार मुझे वहाँ घर नहीं मिल सकता और इनको वहाँ नहीं मिल सकता, तो हम थोड़े अलग हो गए, मैं टाउन पहुँच गया यार। So, वहाँ हमें ये कभी एहसास नहीं, तो ये लाइव है, इट्स नॉट ए कॉन्ट्रोवर्सी एट ऑल, वी हैव सीन दिस वन, वी हैव लिव्ड दिस वन, ये सब चीज़ें वहाँ हुई है, तो ये नुआंसेस की कहानी है। आई होप कि बाकी पेंट तो इन्होंने किया है, हमने तो ब्रश और वो दे दिया इनको, पेंटिंग इन्होंने की है सेलुलॉइड पे, अब देखते हैं कैसे क्या है। वीरेंद्र जी आप बताइए। बड़ी एक सरल सी सिंपल सी कहानी है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, कैसे परिस्थितियां आपको एक जगह से दूसरी जगह तक उलझाती हुई चली जाती है। इसमें कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, इतनी ही सिंपल कहानी है और छोटे लोगों की कहानी है, कोई बहुत बड़े परिवारों की कहानी नहीं है जिसमें कि एक रईस और ये गाड़ी और वो और ये और ऐसा कुछ नहीं है। बड़े छोटे माहौल से निकली हुई एक बहुत अच्छी कहानी, आप सब लोग देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कहानी के बारे में ज्यादा बताया नहीं जाना चाहिए, वरना आपका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एक सिंपल सा लड़का है, वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है और उसी का एक स्ट्रगल है, उसके साथ में कैसे उसके माँ बाप, परिवार वाले, दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, सारे लोग मिलकर के क्या क्या करते चले जाते हैं और अब उसका क्या होता है, या फिर देखने के बाद समझ जाएंगे। बाबू मशा बंदोबस्त में बहुत इंटीमेट सीन्स लेके कंट्रोवर्सी हो गए हैं, पर ये फिल्म बिल्कुल अलग है उस फिल्म से, एक सोशल मैसेज वाली फिल्म है, एक म्यूजिकल फिल्म भी है, बहुत अच्छे गाने हैं, मुझे दो तीन अच्छे गाने भी मिले हैं इस फिल्म में, जो हम लोगों पे फिल्म आया गया है। मेरा जो कैरेक्टर है, मैं आफिया का किरदार निभा रही हूँ। आफिया एक मुस्लिम लड़की है जो बच्चों को कुरान पढ़ाती है, वो थोड़ी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से है, पर वो लड़की खुद बहुत लिबरल है और चाहती है कि रब्बी एक बड़ा सुपरस्टार बन जाए, सुपरस्टार नहीं मतलब एक रॉक स्टार बन जाए, वो हर तरह से रब्बी को सपोर्ट करती है। वो रब्बी की कज़न सिस्टर है, पर पता था कि शायद जब बड़ी हो जाएगी दोनों की शादी होगी, ऐसा उसे लगता था, तो एक दूसरे को प्यार से भी ज़्यादा आई थिंक वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, जैसे वीरू जी ने और विदिता ने और राहत भाई ने, संजय जी ने, सबने तो ये बात कर ही दी है, लेकिन ये है कि ये फिल्म से हर इंसान अपने आप को रिलेट कर सकता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बहुत सारे चेंजेस थे इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ देता, बट नेचुरली सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप वहाँ कॉस्ट्यूम्स करने से पहले, जब मैं जम्मू राहत जी के साथ रेकी के लिए जब गए थे हम लोग, तो वहाँ पे ये समझ में आया कि वहाँ के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनका वो किस तरीके के, मतलब वहाँ की मुस्लिम फैमिलीज़ हो या नॉन मुस्लिम फैमिलीज़ हो, वो किस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये कॉस्ट्यूम्स किए गए हैं। मैं बीच में एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, लाइन ये जोड़ना चाहता हूँ कि अचानक, मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया, मेरा अपना रियलाइजेशन है, शायद वो गलत भी हो सकता है, कि जम्मू से तीन लोगों ने, रेवा जी भी, राहत जी और संजय, इन तीन लोगों ने एक इतनी अच्छी कोशिश की है, और जम्मू अब अपने आप पे अगर आप धीरे धीरे देखें, ये लोग सारे लोग फिल्म कोशिश करते हैं कि वहीं बनाएं,
और वहाँ पर एक नया सिनेमा शुरू हो रहा है, मतलब जो इनफैक्ट जहाँ से मेरी नॉलेज से पहले सिनेमा नहीं था, वहाँ सिनेमा नहीं था। इन तीन लोगों की कोशिश से एक वहाँ पे एक नया सिनेमा मतलब डेवलप होने लगा है, फिल्म इंडस्ट्री सी डेवलप हो रही है, और ये लोग इतने यूनाइटेड हैं, इतने आपस में इतनी अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं कि हमको कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम फिल्म करने के लिए आए हैं। कहीं भी अरे यहाँ ठहर जाती है ना, हाँ सब यहाँ सब अरे यार उनको यार बड़ा होटल चाहिए, उनको बड़ा दे दो यार, अपन सब यहाँ ले लेंगे यार, हम सब लोग अच्छा साथ में यार, एक जगह कम यार, एक कमरा दो लोग रह लोगे, हाँ साथ साथ रह लेंगे। इस तरीके से करके इन्होंने एक प्रोडक्शन हाउसेस को शुरू किया और अब वो एक ऐसे लेवल तक चला गया, इनकी दो दो फिल्में अगर कांस जा रही हैं, इतना ही अच्छा काम मेरे ख्याल से संजय भी कर रहा है, संजय ने भी अभी एक मिनट की भी एक एक फिल्म की है। तीन चार लोगों की कोशिश से एक जम्मू में एक नई इंडस्ट्री सी डेवलप हो रही है, छोटे मोटे लेवल पे ही हो रही है चाहे, लेकिन मुझे लगता है काफी दूर तक जाएगी और ये लोग बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया। बस मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस साल हमारी दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है, एज ए प्रेजेंटर हम लोग UFI एंड JK हम लोग कर रहे हैं, और अच्छा लगता है सही कंटेंट बेस्ड फिल्मों के साथ में जुड़ने से, और फ्यूचर में भी हमारी दो तीन फिल्में लाइन अप है ऐसे ही टॉपिक को लेकर। कई फिल्में ऐसे राह साहब के साथ मैं कर रहा हूँ, औरों के साथ भी कर रहा हूँ, लेकिन ये फिल्म मेरे लिए सबसे यादगार। शंकर जी आप बताइए। शंकर जी की शायद ये 50 मिनट में होगा। थैंक्स रात। और इन्होंने जो किया है स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफर है, फिल्म इनके थ्रू ही दिखता है, इनके थ्रू ही दिखती है, इनके थ्रू ही दिखती है। शुक्रिया। इस फिल्म का नाम है रब्बी। मैं एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभा रही हूँ, उसका नाम है आफिया, वो जम्मू से बिलोंग करती है। वो काफ़ी सुलझी हुई लड़की है, काफ़ी लिबरल सोच रखने वाली लड़की है, हालांकि उसके कपड़े जो है काफ़ी ट्रेडिशनल है, वो ज़्यादातर बुरखे में नज़र आती हैं। मेरा कैरेक्टर जो है मतलब जो है वो बहुत लिबरल सोच वाली है, और जो इस फिल्म का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है रब्बी, उसका गर्लफ्रेंड है, देखा जाए तो उसकी कज़न है, और मुसलमानों में ऐसा होता है कि अपनी कज़न सिस्टर से भी शादी होती है, तो इसे पता है कि शायद कभी रब्बी के साथ इसका शादी होगा, तो वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, देखा जाए तो सपोर्ट सिस्टम है, एक दूसरे को बहुत एनकरेज भी करते हैं। आफिया जो है बच्चों को कुरान पढ़ाती है। ये मूवी मैंने पहले किया था। हाँ, एक्चुअली मैंने बहुत ही मतलब सोशल सब्जेक्ट्स पे, सोशल इश्यूज पे मैंने, कोई बात नहीं मैं फिर से बता दूँ। मैंने बाबू मशाय बंदूकबाज शूटिंग से पहले भी कुछ सोशल इश्यूज़ पे कुछ अच्छे फिल्म्स किए हैं, और उसके बाद भी दो तीन और फिल्में किए हैं, तो अभी है कि बाबू मशाय बंदूकबाज हिट हो चुकी है, तो मेरे भी मेरा भी जो है खाता खुल गया है, अब एक के बाद एक रिलीजेज होंगे, जो एक अच्छी बात है। How was it working with Rahat Kazmi, who's done Mantos Kamen? How different was your character in this film from the rest of the characters that you played earlier?
दूसरे फिल्मों से तो अलग है, आपको पता है कि मैं हर फिल्म में कुछ ना कुछ अलग किरदार निभा रही हूँ। अगर बाबू मोशे बंदूकबाज का फुलवा देखा जाए तो बिल्कुल अलग है इस फिल्म में, जो मैं आफिया का किरदार निभा रही हूँ। आफिया एक जम्मू की लड़की है और बहुत उर्दू जो है, उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करती है। और राहत काज़मी जी खुद एक शायर हैं, गाने भी लिखते हैं, फिल्म के फिल्म भी लिखते हैं, तो उनका जो है ना बात करने का जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस फिल्म में मैंने कोशिश किया है कि अगर वो स्टाइल थोड़ा रखूं, वो जो स्टाइल से बात करते हैं वो थोड़ा रखने की कोशिश किया है मैंने। जी देखिए, इंडस्ट्री देखा जाए तो इस हिसाब से बहुत फेयर है। अगर जो मतलब ज़्यादातर लोग अपने जो है टैलेंट या काम के लिए जाने जाते हैं, अगर आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, स्पेशली अगर फिल्म में, अगर आपकी फिल्म आपके परफॉर्मेंस पे आपके बलबूते पे नहीं चली, तो आपको बहुत जल्दी होता है कि इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। तो इस इंडस्ट्री को स्टार से ज़्यादा एक्चुअली एक्टर्स की पहचान है, एक्टर्स को भी मानते हैं। जो भी बड़े स्टार्स देखा जाए तो वो अपने एक्टर एक्टिंग के बलबूते पे ही अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, तो ये हर किसी के लिए लागू होता है। थैंक यू। मेरे ख्याल से अभी इस फिल्म से रिलेटेड बात ना पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतनी पुरानी हो चुकी है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल चुकी है, लेकिन फिर भी चलिए बात करते हैं। छोटे छोटे से करेक्टर्स हैं, मैं लड़की का बताऊँ